Welcome back to the channel and second episode of Kerala Trip. We landed in Kochi and we explored Kochi on day one. और आज हम लोग जा रहे हैं अथिरापिल्ली वाटरफॉल, जो कि बाहुबली वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। और वहां से हम लोग रात तक पहुंचेंगे मुन्नार, काफी सीनिक वाले रास्ते देखते हुए। कोची से अथिरापिल्ली वाटरफॉल रफली 76 किलोमीटर है और इट टेक्स रफली 2 आवर्स। रोड टू अथिरापिल्ली वाटरफॉल इज वेरी सीनिक एंड फुल ऑफ ग्रीनरी। जस्ट बिफोर वाटरफॉल एंट्री का गेट 1 किलोमीटर के पहले देयर इज अ टिकट काउंटर। पर पर्सन 50 रुपीज टिकट है and we paid 40 rupees for this vehicle. Finally 2.5 hours में हम लोग enter कर चुके हैं अथिरापिल्ली waterfall की gate के अंदर। यहाँ से roughly 20 minutes का easy वाला track है, इनफैक्ट ट्रैक भी नहीं है, वो हाइक जैसा है। अथिरापिल्ली वाटरफॉल के 2 पॉइंट्स है, एक जहां पे वाटरफॉल के ऊपर से आप उसको देखते हो और दूसरा है वाटरफॉल के नीचे से देखते हो। ऊपर वाले सेक्शन में जाने के लिए इतना ज्यादा टफ हाइक नहीं है, पूरा एरिया काफी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। Finally, it's here. For the first look. ये आगे जाके देखते हैं। You guys want to see Bahubali Athirapilli waterfall? Let's go. गाइज, एक बहुत ही होशियार और होनार मैडम ने हमको जस्ट बताया कि हम जो कर रहे थे वो तो ये तो कुछ भी नहीं है। चलो बताओ, ये तो कुछ नहीं है। तो इस तरफ क्या है, इस तरफ क्या है? Don't miss it. Really? थैंक यू, हमको ये होनार लोग मिल गए। yes. नहीं तो हम यहाँ से ही वापस जा रहे थे। चलो फिर उधर ही चलते हैं। लेट्स गो। स्टिल गोइंग एंड वी केम फ्रॉम आई थिंक दिस इज थर्ड लेयर एंड उसके ऊपर से वहां से आया एंड देन वी आर गोइंग जबरदस्त जबरदस्त। Thank you.
वाटरफॉल के बॉटम से ऊपर आने का ट्रैक थोड़ा सा टायरिंग है, लेकिन व्यू के हिसाब से कम्प्लीटली वर्थ है। ऊपर आने के बाद इस पॉइंट पे वॉशरूम्स हैं, स्नैक्स और आइसक्रीम के लिए एक शॉप है। सो फैसिलिटी वाइज ये एरिया काफ़ी मेंटेन रखा गया है। गबरू जवान, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। ऑलमोस्ट 2 आवर्स अथरापिल्ली वाटरफॉल में बिताने के बाद हम अभी रिटर्न जर्नी शुरू करेंगे मुन्नार जाने के लिए। हड़बड़ घोटाला हो गया। दिस इज सोयल फ्लोक अनदर फूड आउटलेट एक्चुअली समवेयर जस्ट 30-40 किलोमीटर फ्रॉम कोची। कोची में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, जस्ट लाइक बॉम्बे एंड चेन्नई। लेकिन जैसे जैसे मुन्नार की तरफ जा रहे हैं, क्लाइमेट ठंडा होते जा रहा है और हिल स्टेशन वाली फीलिंग आ रही है। All the way from Kochi to Attapilly, and here we are in. You can contact at info@homes.munnar. एक मिनट भाई। नीचे रखते हो भाई साहब। I कल सुबह पता चलेगा एक्चुअली बाहर क्या है। Beware of monkeys. Obviously हो गया monkey. अपनी ये फैमिली स्टे के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। इससे यहाँ पे चाय शाम मारो। ये अच्छा काम किया यहाँ पे पर्दे का, वाइपर वाइपर दिया है, शावर ऊपर है। अभी तो जा रहे हैं रूफ टॉप पे फर्स्ट ऑफ ऑल चाय पीने के लिए इतने बढ़िया माहौल में, और हमको देखो क्या मिल गया। छोकरा लोग ये क्या चल रहा है, कौन जीत रहा है? जो हारेगा वो सबको चाय पिलाएगा। हम लोग ओके लगे। अरे बॉल ही गड़बड़ दे दी यार। गजब 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 गजब। तो गाइस यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ चल रही है ये ग्रुप ट्रिप में। खाने के पहले तुरंत चाय पी जा रही है, पोहा मंगाया जा रहा है, उसके साथ रोटी खाई जा रही है, और ये बंदा तो कुछ भी बोलो तुरंत बोलता है मेरी एक्सपर्टीज ही नहीं है। कल मैं कुछ और बोलूंगा। क्या बोलोगे तुम? ये सब दोखलापन दोखलापन है। जब तक चाय पूरी है उसके पहले खाना दे दिया। ये लोग चाहते हैं कि हम ठूस ठूस के खाना खाएं ताकि हम कल का सुबह का सनराइज अच्छे से देख सकें। ये ठूस ठूस के खाएं और देख ही ना सके। फिर से बोलो। Very good. इसमें मेरी एक्सपर्टीज जिसकी भूखी आंखों से सब लोग देख रहे हैं खाने को,
भूखी आंखों से, लेकिन खा नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे क्योंकि सोशल मीडिया वालों को फोटोग्राफ लेते हैं, खाने को ठंडा किया जाता है। ऑफिशियली हो चुका है डे 3 एंड सुबह के बजे 3:30। अब ये इम्प्रॉम्प्टू प्लान बना है, कौन सा है प्लेस? कुल्लू मलाई, मे बी। सो कुल्लू मलाई इज अ प्लेस अभी हम लोग जहाँ पे जाने का प्लान कर रहे हैं इम्प्रॉम्प्टू, नींद को हराम करके सनराइज देखने के लिए। तो देखते हैं कैसा होता है। सो विल स्टार्ट एट 3:30 एंड मे बी विल रीच अराउंड सनराइज टाइम। वो प्लेस माना जाता है केरला का हाईएस्ट पीक और अपने सीनिक व्यूज के लिए मशहूर है। सो देखते हैं कितना सीनिक है। लेट्स गो।